हेलो दोस्तों, गुड़िया लिटिल गार्डन में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी को दिखाई थी ये जो गेंदे का प्लांट है, इसके फ्लावर में मिट्टी में ऐसे तोड़कर और डाल दी थी। जैसे ये सूख जाते हैं तब हमें इसे मिट्टी में डाल देना होता है, तो वो छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं, तो मैं आप सबको दिखाने वाली हूँ। तो आप सब वीडियो पर पूरा बने रहिएगा और पूरा देखिएगा। तो ये रहा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, और यहाँ पर भी है, यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर भी है, कुछ कुछ प्लांट ग्रो हुए हैं। और मैं आप सबको दिखा दूँ, मैं ना टोरिनिया का प्लांट भी ग्रो की थी, वो भी छोटे छोटे बहुत बारीक बारीक बेबी प्लांट ग्रो हुए हैं। देखिए यहाँ पर फिर से मैंने मेरी गोल का बेबी प्लांट डाला था, यहाँ पर बीज डाली थी। सीड्स जो ऐसे सूख जाते फूल तो डाल देने से ऐसे हो जाता है, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हो आप, जैसे ये टोरिनिया का प्लांट है, इसके सीड्स इसमें अब बनने लगे हैं। जैसे फूल सूख जाते हैं तो बीज बनने लगते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाले जो नारियल की जो मैंने DIY बनाई थी, इस पर ही देख सकते हो मैंने छोटे छोटे बीज डाल दी थी, ऐसे सिर्फ ऐसे डाल दी थी। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कितने छोटे छोटे ग्रो हुए हैं, यहाँ पर आप सब देख सकते हो, शायद कैमरा में आ रहे हैं कि नहीं। और फिर से मैंने यहाँ इस पर भी डाला था, मैंने ऐसे बहुत सारे प्लांटर में मैंने डाल दिया था कि जहाँ तहाँ भी कहीं भी ग्रो हो जाए ये अगर गिरेंगे तो। अगर आप टोरिनिया का प्लांट एक बार लाते हो तो आपके गार्डन में हमेशा बने रहते हैं, जैसे कि मैं आप सभी को हमेशा वीडियो पे बनाते रहती हूँ। तो मेरे पास भी देखिए छोटे छोटे बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हो गए हैं। आप अगर इसी तरह से सीड से ग्रो करना चाहते हो तो आप अभी कर सकते हो, क्योंकि टोरिनिया प्लांट भी हमेशा आपके गार्डन में बने रहते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रही है, ये फ्लावर पेंटास का फूल है। और यहाँ पर देखिए देख सकते हो ये मैंने कटिंग से लगाया था, ये डैंथस है। तो कुछ कुछ फ्लावर मेरे गार्डन में भी खिल रहे हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आप सभी की जैसे तो बड़े गार्डन नहीं है पर है। और यहाँ पर आप देख तो ये जूही का प्लांट है, यहाँ पर बहुत सारे बर्ड्स बने हुए हैं और फ्लावर भी खिले हुए हैं, ये देख सकते हो। मैंने इसमें बहुत अच्छी तरीके से खाद भी डाला था, इसकी मैंने प्रूनिंग भी की थी, तो हर ब्रांच पर यहाँ पर कलियाँ बनी हुई है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, बाय।